रामगंज थाना अंतर्गत 7 अगस्त 2014 को एक महिला मजदूर के साथ हुई सामूहिक दुराचार की घटना के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी दौराई निवासी लाडू को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में 15 गवाह 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अपर लोक अभियोजक लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि पीसागंज थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता 7 अगस्त 2014 को दौराई फाटक के पास मजदूरी करके अपने गांव लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी कि तभी बाइक पर आए दौराई निवासी लाडू ने उसे घर छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बिठाया और पास स्थित खेत पर बने एक मकान में ले गया, जहाँ पर आरोपी ने अपने दो नाबालिग साथियों को बुलाकर महिला के साथ पूरी रात दुराचार किया। गरीब महिला की आबरू तार तार करने के बाद सुबह होते ही आरोपी महिला को छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़िता ने रामगंज थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। 2 साल बाद अपर सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न न्यायालय ने आरोपियों को 20 साल की सजा और 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता ने रामगंज थाने पर दी और पीड़िता को जो दोराई फाटक के पास चौकी है, पुलिस चौकी, वही लोग लेकर आए थे उसको, जिसके ऊपर उसका मेडिकल हुआ। उस मेडिकल में भी उस पीड़िता के चोटें आई थी, 6-7 चोटें थी जो डॉक्टर ने प्रमाणित करके गए हैं न्यायालय के समक्ष। उस रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के बयान हुए और उसमें जो दो आरोपी थे वो 18 वर्ष से कम आयु के होने के कारण उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कार्रवाई चिल्ड्रन कोर्ट में अभी तक जारी है। आरोपी जो था वो दोराई का रहने वाला था और पीड़िता को वहाँ से लेकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया, जिसकी तायिद प्रोसिक्यूशन के सभी गवाहों ने करी। प्रोसिक्यूशन की ओर से लगभग 15 गवाह परीक्षित करवाए गए और 27 दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाए गए, जिसको आधार मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।